तो दोस्तों भारत के लिए ब्रिटेन की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आई है और ब्रिटेन ने तो भारत को ही चौंका दिया है, क्योंकि ब्रिटेन ने पहली बार भारत के सपने को पूरा करने के लिए फ्रांस से भी तीव्रगामी गति से अपनी हामी को भर दिया है। जी आप सभी ने सही सुना, आज से एक ही दिन पहले भारत के DRDO की जो टीम है वो ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉयस के अंदर जाती है इसकी विजिट करने के लिए। और इसको लेकर पूरा ऐसा अंदाजा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जेट इंजन को लेकर कोई ना कोई डील अवश्य साइन होगी। अब दोस्तों इस दौरे के जो नतीजे हैं वो निकल के सामने आए हैं और ब्रिटेन ने भारत को खुश कर दिया है, क्योंकि रॉयल्स रॉयस के जो साउथ एशिया के CEO हैं उन्होंने कहा है कि यदि भारत हमारे साथ जेट इंजन की डील करता है तो हम भारत के लिए अपने जेट इंजन की ना सिर्फ पूरी तकनीक देने को तैयार हैं बल्कि हमारे जेट इंजन की जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी हम भारत को देंगे। यानी भविष्य में भारत इस इंजन के अंदर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर पाएगा, साथ में इस इंजन को दूसरे देशों को भी सेल कर पाएगा। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं कि भारत और फ्रांस में प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर लगातार बातचीत चलती आ रही है और फ्रांस भी भारत को अपने इंजन के प्रॉपर्टी राइट्स देने को तैयार है। अब दोस्तों प्रॉपर्टी राइट्स लेने से हमें फायदा यह होता है कि यह जो इंजन है वो पूर्ण रूप से हमारा हो जाता है और हम जैसा चाहें वैसा इस इंजन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, साथ में जिस भी देश को चाहें उस देश को इस IP राइट्स की मदद से अपने इंजन को सेल कर सकते हैं। यानी बात साफ है कि भारत के साथ भले ही कोई दूसरा पार्टनर देश मिलकर जेट इंजन को डेवलप करे, परंतु भारत के पास जब इसके प्रॉपर्टी राइट्स आ जाएंगे तो पूरी तकनीक और पूरा अधिकार भारत के पास आ जाएगा और इसलिए भारत को हर एक इंजन की IP राइट्स चाहिए। और दोस्तों ब्रिटेन ने जो भारत के लिए ऐलान किया है उससे तो फ्रांस भी हैरान हो चुका है, क्योंकि IP राइट्स को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में कई दिनों तक वार्ता चली थी, जिसके बाद में भारत के लिए फ्रांस अपने IP राइट्स देने को तैयार हुआ था, परंतु ब्रिटेन ने अचानक से ही भारत के DRDO के जाते ही IP राइट्स को लेकर रजामंदी बना दी है। फिलहाल में इस मामले के ऊपर आप सभी की क्या राय है और क्या भारत को ब्रिटेन के साथ इंजन की डील करनी चाहिए या फिर अपने भरोसेमंद साथी फ्रांस के साथ, इसके ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।